नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृतदी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजधानी का अशोक राजपथ और पटना साइंस कॉलेज का मुख्य द्वार, और यहां जो है कलाकृतियां बिहार के युवा कलाकारों ने मिथिला शैली से पटना साइंस कॉलेज की दीवारों को सजाया है। देवी देवताओं के चित्र से और इस व्यस्तम सड़क से जाने वाले राहगीरों पर भी बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ रहा है इन रंगीन चित्रों का, और दीवारों का भी सदुपयोग हो रहा है। और यहाँ देखिए आप, रंग बिरंगी मछलियाँ जो हैं, मिथिलांचल में मछलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। वहाँ की मछलियाँ भी कहा जाता है कि बहुत ही बुद्धिमान होती हैं, और मिथिलांचल की मछलियाँ मिथिलांचल में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। नमस्कार, अमृत न्यूज़ की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। अपना परिचय देंगे। मैं नंदन कुमार, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट और गांधी कला केंद्र से मैं मास्टर डिग्री किया हूँ पेंटिंग से। तो मैं स्कल्पचर के साथ साथ पेंटिंग भी बनाता हूँ, और ये मधुबनी पेंटिंग बनाया हूँ। ये मिथिलांचल की मछलियाँ है ना, पोखर में जो रहती है, तालाब में मछलियाँ और वहाँ की नदियों में, बहुत सुंदर बनाया है मछलियाँ आपने। कलाकार सब भी आए हुए, बहुत बड़ी बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी मछलियाँ इटला रही हैं, नाच रही हैं मिथिलांचल में, वहाँ की तालाब में, नदियों में, बहुत ही सुंदर। ये भी आपने बनाया है, ये काली मदन है भगवान श्री कृष्ण, और यहाँ दो नागकन्याएं हैं जो कि भगवान शिव को, भगवान श्री कृष्ण को नमन कर रही हैं और उन्हें अपना क्रोध शांत करने के लिए कर रही हैं। और यहाँ काली नाग है जो कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है, और वो उनसे, काली नाग कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हमें क्षमा करें। और काली नाग के विष के प्रभाव से पूरा यमुना नदी जो था विषाक्त हो गया था, मछलियाँ मर रही थी और आसपास के जो बछड़े थे वो भी काली नाग का शिकार बन रहे थे। बहुत ही सुंदर बनाया है आपने। भगवान श्री कृष्ण और राधा, मिथिला शैली में बनी हुई, मिथिला के महिला कलाकारों के द्वारा जो है बहुत ही सुंदर कलाकृति बनाया गया है मिथिला शैली में। मिथिलांचल की युवा मिथिला चित्रकारों ने आकर यहाँ बनाया है, बहुत ही सुंदर अपनी कला प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। और यहाँ भी जो मधुबनी से आई हुई जो महिला कलाकार हैं अपने बच्चों के साथ भी आई हैं, बहुत ही सुंदर बनाई है। और यहाँ देखिए वीडियो, एक मयूर है, मोर है, उसके पंख में यह कलाकृति जो है, कभी देखने में लगता है कि दो मछलियां हैं और कभी लगता है कि एक उल्लू है, उल्लू जैसा भी लग रहा है, यहाँ उल्लू लग रहा है और कभी लग रहा है दो मछलियां आपस में हैं, बातें कर रही हैं दो मछलियां। और यहाँ एक दुल्हन है और रंग बिरंगे फूल हैं, बसंत का मौसम है। यहाँ भी दो मछलियाँ हैं, लेकिन दो मछलियाँ यहाँ उदास लग रही हैं, खुश नहीं है मछलियाँ, बहुत सुंदर। पटना साइंस कॉलेज का दीवार है ये, अशोक राजपथ बहुत ही व्यस्तम सड़क है, और यहाँ की सड़कें जो है देखिए मिथिला शैली में सजी हुई हैं। यहाँ भी मयूर दिख रहा है, दो मोर नाचता हुआ और दो मोर जो है पेड़ पर बैठा हुआ है, मिथिलांचल का ही दृश्य है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ दो हाथी है और पेड़ जो है वो फूलों से लदा हुआ है,
दोनों हाथी जो है वो भी इसकी छाया में है और दोनों हाथी बहुत खुश है। यहाँ भी एक वृक्ष बनाया गया है और यहाँ पटना साइंस कॉलेज का सर्वाधिक सुंदर जो चित्र है यही है। झूला झूलती हुई मिथिला जल की में गोपियां हैं भगवान कृष्ण की प्रेसी कहिए या प्रेमिका कहिए और बसंत ऋतु में खुशियां मना रही हैं, झूला झूल रही हैं और भगवान श्री कृष्ण को याद कर रही हैं। और यहाँ जो है गोपियाँ माखन लेकर जा रही हैं भगवान श्री कृष्ण को उपहार स्वरूप देने के लिए। नमस्कार जी, आपने बहुत ही सुंदर बनाया है ये चित्र, इसमें मिथिला की संस्कृति को दर्शाया है। किस तरह से महिलाएँ बालाएँ किस तरह से पेड़ पे झूला बनाकर और बसंत ऋतु का आनंद लेती है और घट में पानी देने के लिए जा रही है और एक मिथिला संस्कृति को दर्शाया गया है। किस तरह से मटकी में दही को लेकर एक माखन लेकर माखन लेकर भगवान श्री कृष्ण को उपहार स्वरूप ले जा रही है देने के लिए। और बहुत सुंदर बनाया है आपने, मधुबनी शैली में बनाया है और जापान में इसी के लिए मधुबनी कला और कला को विज्ञान से जोड़ कर देखा जा रहा है और नई नई खोज की जा रही है। रंगों का चयन भी आपने बहुत सुंदर किया है, माखन रखा हुआ है मटकी में बहुत ही सुंदर। यहाँ भी जो है जल्दी जल्दी दोनों गोपियाँ जा रही है भगवान श्री कृष्ण के पास कि कहीं देर ना हो जाए, भगवान श्री कृष्ण कहीं रूठ ना जाए। बहुत सुंदर, बधाइयाँ शुभकामनाएं, बहुत सुंदर बनाया। ये भगवान सूर्य जिन्हें लिविंग गॉड यानी जीवित भगवान माना गया है, जीवनदाता भी कहा गया भगवान सूर्य को। और बिहार का सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार छठ दुनिया भर में मनाया जाता है भगवान सूर्य को समर्पित छठ महापर्व। ये मैं मधुबनी में सूर्य को दिखाया है। और यहाँ सीढ़ी के साईं बाबा साईं भक्त जो है वो चाहते हैं दुनिया भर में विश्व शांति हो, विश्व शांति ताकि सभी पशु पक्षी जीव जंतु सभी आपस में खुश रहें और सभी मनुष्य आपस में मिलजुल कर रहें। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप इस इसमें? मैं संदेश दे रहा हूँ कि सीढ़ी के साईं को मैं दिखलाया हूँ मधुबनी शैली में और इस मधुबनी शैली इनकी ज्ञान की प्रकाश चार में प्रकाशित हो रही है और वे सभी जीव जंतु पशु पक्षी के संरक्षण के रूप में दर्शाया है। और ये सूर्य में दिखलाया हूँ कि आजकल की जो आधुनिक विज्ञान है वो भी वैदिक विज्ञान को मान रहे हैं। प्राचीन काल से ही लोग वैदिक युग से ही लोग सूर्य की उपासना करते आ रहे हैं और आज भी सौर ऊर्जा के तहत आज वैदिक विज्ञान को लोग मान रहे हैं। सौर ऊर्जा सूर्य से रोशनी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं और ये वेद जो तरंग है ये वास्तव में मधुबनी कला को मैं विज्ञान से जोड़ कर देख रहा हूँ। एक नई नई खोज हो रही है ताकि ये मेटल में किसी भी कंप्यूटर की डिस्क बनाई जा सके और पावर डालकर एक नई खोज एक नई रिसर्च को चुनौती दे रही है। बहुत बहुत बधाई है आपको, आपने बहुत सुंदर कलाकृति बनाया है पटना साइंस कॉलेज के की दीवारों पर। और बरवसी जो नागरिक जाते हैं यहाँ से राहगीर जाते हैं और दुनिया भर के जो पर्यटक आते हैं उनका ध्यान जो यह चित्र झूला झूलती हुई गोपियाँ जो है इसका ध्यान जो है सभी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और बहुत अच्छा संदेश देता है कि हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, प्रेम का संदेश समाज में फैलाना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए और भाईचारा ताकि समाज में कायम रहे। जहाँ दाल दाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, उसी तरह से पटना के तमाम गलियों में मधुबनी पेंटिंग सोने की चिड़िया के तहत है।
इसकी एक एक फोटोग्राफ पूरे वर्ल्ड में बहुमूल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अमृत जी न्यूज़ से मैं रंजन कुमार अमृत जी, अमृत जी न्यूज़, पटना, बिहार।